फ्लैशबैक। तो भाई ये मेरा हुलिया रहता है जब मैं गाड़ी चला के पहुंचता हूँ मैच देखने के लिए। और फाइनली हमने गाड़ी फिर पार्क कर दी। मैं हमेशा वीडियो की शुरुआत पार्किंग से करता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि मैंने इसके सामने रखी है। अभी आगे चलते चलते बात करते हैं भाई कि किस तरह का माहौल है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में, और क्या IPL फाइनल से ज़्यादा है या कम है। तो अभी रोड क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान, ये हो गया हमारा रोड क्रॉस और ये है वो एंट्री गेट। अब देखो भाई, मैं अभी एक बात मुझे जो एहसास हुई वो ये हुई कि IPL फाइनल से कम भीड़ लग रही है मेरे को, क्योंकि IPL फाइनल में पूरा ब्रिज से लेकर 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम रहता था। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ तो मैं अंदर भी आ गया गेट तक तो भी 5 मिनट से ज़्यादा मुझे रुकना नहीं पड़ा है। बाकी अंदर का हाल दिखाता हूँ थोड़ा। तो आज थोड़ा सा लाइव ज़्यादा लग रहा है। ये वाली गली जहाँ से हम लोग हर बार एंट्री करते हैं, चीज़ें भी यहाँ पे लगभग मिल ही रही हैं। एक और चीज़ नोटिस की, ग्रीन एक भी नहीं दिखा मुझे। और एक और अगर अच्छी बात करूँ जो आप ऊपर देख सकते हो, तो धूप कम है आज, लास्ट टाइम जैसा नहीं है इंग्लैंड वाला न्यूजीलैंड वाले मैच जैसा, तो ये सही है। अभी कब तक रहती है वो पता नहीं, क्योंकि 2 से 4 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मेरी सीट कहाँ है वो देखना पड़ेगा। फाइनली हम लोग वो गली में पहुंचे हैं जहाँ से स्टेडियम की शुरुआत होती है आगे, और ये पीछे जो है वो एंट्री गेट है। तो यहाँ से एक्चुअल जो स्टेडियम की लाइन है वो पूरी शुरू होती है। यहाँ पे थोड़ा सा माहौल लग रहा है, मैं आगे तो पूरा जाम ही है, आगे तो पूरा ही जाम है। लेकिन एक बात और है भाई कि फाइनल IPL फाइनल से कम भीड़ है। यहाँ पे है जाम, बट पूरा माहौल देखा जाए ना, है पूरा इंडिया इंडिया ही, लेकिन वो भीड़ उसमें ज़्यादा थी, इसके अंदर जोश ज़्यादा है। मैं ये सोचा मैं अंदर कब जाऊंगा, अंदर कैसे जाएंगे भाई, यहाँ पे अच्छा खासा धक्का दे के जाना है। बोतल फिर मैं ले आया हूँ एक, यहाँ पे इसको कंप्लीट करके अंदर जाएंगे। बाकी भीड़ तो भैया बहुत ही ज़्यादा है, पर इस भीड़ में से भी हम लोग निकले हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी क्राउड का जोश ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई चलते हैं हम अंदर की तरफ। सुपड़ी लाया था मैं, सुपड़ी अभी कम्प्लीट की है। अब ये भीड़ को बीट करके अभी अंदर जाना ठीक है, जाना तो है ही। ये हमारे फैन सबसे बड़े इंडिया के। भाई ये हो रही हमारी एंट्री यहाँ से। ये एक और एंट्री हो गई हमारी, अब अंदर का हाल कुछ ऐसा है। और है हमारा चेकअप वाला, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर और बाकी की चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे भाई सब लोग फोटोग्राफी और चल रहे हैं, वो सब यहाँ हो रहा है। और यहाँ से अच्छा खासा दिखता भी है स्टेडियम, तो मैंने पुराने ब्लॉग में भी दिखाया है भाई। आज का माहौल पूरा अलग है क्योंकि आज सब ब्लू ही है। हमने येल्लो फीवर देखा था, यहाँ ब्लू फीवर है। हमने पार कर लिया। अब एक चीज़ मैंने नोटिस की अभी कि आज भाई साहब बोलना नहीं चाहिए, बट आज सिक्योरिटी लोगों ने सिक्योरिटी लूज रखी है थोड़ी। मतलब मैं ये सुपड़ी का पैकेट भी ले आया हूँ, और लास्ट टाइम थोड़ा हार्ड था, लास्ट टाइम
आपको हाथों से कर रहे थे, इस बार उसे मेटल डिटेक्टर में से जाने दिया, तो वो थोड़ा सा मुझे वैसा लगा कि यार इजी ले लिया है। बाकी ये रास्ता लॉक कर दे, लास्ट खुला था पूरा, देखना पड़ेगा यहाँ से एंट्री कहाँ है मेरी, एल वाले में। अब मुझे नहीं मालूम इस बार इन्होंने क्या सिस्टम रखा है, बट थोड़ा सा अलग है। जो सी डी वाला है उन्होंने राइट साइड से एंट्री रखी, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था। और ए बी जे के वाला है इन्होंने दूसरी दिशा में रखा है, मतलब फिर से हमें जाना पड़ेगा वो चेकअप वाला पोर्शन पार करना पड़ेगा। ये लास्ट टाइम नहीं था, एक्चुअली किसी मैच में नहीं था, ये इस बार इन्होंने ऐसा रखा हुआ है। तो आई थिंक वो वाला जो मैं कह रहा था ना, वो हाथों से टच करते हैं, वो आई थिंक अब होगा, वो यहाँ पे अब वो चेक करेंगे। बट ये पूरी तरह से नया था, हमने लिया है यहाँ पर से शॉर्ट कट, ये जाली थी ना पीछे, इधर 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 उधर से हमने मार लिया है जंप। तो जंप मार के हम लोग जा रहे हैं सीधा स्कैन कराने, जो बुक माई शो वाला था वहाँ से स्कैन करा के सीधा एंट्री। आई थिंक आवाज़ आ रही है क्राउड की, तो मतलब वो शो चालू हो गया है, प्री शो होने वाला था। तो टिकट दिखाते हैं, एंट्री करते हैं। और इस बार सही में भाई इन्होंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, लास्ट टाइम कुछ भी नहीं था ये, जिन लोगों ने देखा नहीं उनको पता होगा। और इन्होंने कहा था कि तुम खुद मत स्कैन करना, तो मैं खुद स्कैन नहीं कराऊंगा, इस बार इनको ही करने दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, स्कैन खुद मत करना, नहीं तो वो बोलेंगे। और ये हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पर स्टेडियम में के अंदर, अब जाना होगा हमारी सीट पे क्योंकि चालू हो चुका है। और हाँ, सबसे अच्छी बात है आप सीट पे बैठ के बताता हूँ, खाने का मैं लाया था वो मैं ले आ पाया हूँ। और भाई सीरियसली सिक्योरिटी में बहुत गड़बड़, बहुत ज़्यादा मुझे लगी। नॉर्मल मैचेस में आप नहीं कर सकते क्योंकि आप नज़र में आ जाते हो यहाँ पे, वो तो अच्छा है कि मैं सिर्फ खाने की चीज़ ही लाया, बाकी समझ जाओ कि अंदर का एटमोसफियर कहोगे तो वैसा ही है लास्ट टाइम जैसा था, जो जैसे स्टोर थी जैसा लोकेशन था सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जिन लोगों को और अच्छे से देखना हो भाई, मैं कहूँगा आप रिकमेंड करूँगा वो पहले मैच वाला ब्लॉग देख लो, बस लोग ज़्यादा हैं। और अभी आ रहे हैं, अभी तो 2 बजे भी नहीं, पहली गेंद गिरी भी नहीं, एल मिल गया हमारा। अभी हमें दिखने वाला है ये स्टेडियम, अभी मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ। और अब दिखाते हैं स्टेडियम का हाल, तो मेरे को लग नहीं रहा है चालू हुआ है प्री शो, अभी कुछ गाना वाना चल रहा है पर सही में ये प्री शो है। बाकी आप क्राउड को देखो, जो पिछली बार नहीं थी वो ये है, कहा है कि जब ये कहा जाए तब दिखाना, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कुछ। तो ये भाई शंकर महादेवन का परफॉर्मेंस खत्म हुआ, मैं इसकी बात कर रहा था, ये मैं लाया था, अभी मेरा खाने का थोड़ा इंतजाम हो जाएगा। और ये है सुकड़ी, गुड़ की बनती है। एक बात और बता दूं, लास्ट टाइम मैं वहां बैठा था, अभी सूरज यहाँ है, अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कितनी देर रहता है हमारी तरफ। भाई एक चीज़ मुझे जो लग रही है वो ये है कि भाई अब मज़ा बहुत आने वाला है कंपेरिजन टू IPL मैचेस, क्योंकि उसमें हम लोग आपस में बढ़ जाते थे। यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म है कि पूरा स्टेडियम है ना भाई वो इंडिया के साथ ही होने वाला है, मज़ा बहुत आने वाला है इसलिए तो पक्का है। पता नहीं मेरी आवाज़ आई कि नहीं, बट बहुत मज़ा आने वाला है। And they've decided.
एकदम सन्नाटा भी इंडियन प्लेयर आएंगे तब से खिलाड़ी और बेस्ट चीज ये हुई है कि भाई धूप जा चुके हैं यहाँ से तो पूरे स्टैंड में यहाँ पे मजा आने वाला है भाई। यहाँ पे मैं बाहर बार बोल रहा हूँ, एक चीज़ अच्छी हुई है यहाँ पे कि पानी के गिलास दे रहे हैं। लास्ट टाइम कंप्लेन भी किया था किसी ने कि भाई पानी के गिलास नहीं थे, सब लोग एक में ही पी रहे थे, तो एटलीस्ट ये चीज़ इन्होंने अलग कर दी है कि यहाँ पे पानी का गिलास उन्होंने दे दिया। Yeah.
हाँ।